सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और इस टाइम मैं जो आया वो थोड़ा बाहर, और पहले आपने जो शॉर्ट्स देखे, हमने ये साइकिल जो है, मतलब हमारे गांव से कम जो है, मैं हूँ इस टाइम 6-7 किलोमीटर दूर, इस साइकिल को लेके मैं आया हूँ यहाँ पर सुबह सुबह थोड़ा इसको, मतलब रनिंग के लिए अपन कह सकते हैं कि साइकिलिंग के लिए, क्योंकि जब बैठे रहते आपको पता है पूरा दिन, तो सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है और घूमना भी हो जाता है, अच्छी हवा खाने का भी मौका मिलता है, क्योंकि गांव में आपको पता है काफ़ी बढ़िया हमें हवा मिल जाती है वैसे ही। तो यहां पर जो थोड़ा सा मैं दूर हूँ गांव से भी, और मैं साइकिल को भी थोड़ा दिखाऊंगा आपको, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से। तो इसको क्या है, थोड़ा सा हमने तैयार करवाया है, पहले जो ही इस कंडीशन में नहीं थी, मतलब पुरानी साइकिल है, लेकिन इसको मैंने तैयार करवाया ताकि हम जो है थोड़ा सा इसको चला सके, ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ही साइकिल पूरी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो वैसे कंडीशन ठीक है इसकी, और यहाँ पर पहले तो हमने इसका जो सामने वाला ये टायर और ट्यूब है ये नया डलवाया, और साथ ही जो पीछे वाला टायर ट्यूब है ये भी नया डलवा दिया, क्योंकि इसकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी। इसके अलावा ये जो स्टैंड आप देख रहे हो ये वाला, ये भी डलवाना पड़ा, क्योंकि स्टैंड भी नहीं था। इसके अलावा चेन जो है वो भी ख़राब थी, और बाकी ब्रेक वगैरह तो है नहीं, इस पीछे वाला एक ब्रेक रखा है हमने, और ये जो है बिल्कुल निकाल ही दिया। और ये घंटी है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी चाहिए इसमें। और ये इसका सीट कवर जो कि हमने नया डलवाया, तो कुछ इस तरह से हमारी साइकिल जो है वो रेडी हो गई है, अब मतलब चलने लायक हो गई है, और हमारे लिए बहुत है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो भी आप देख सकते हो ये है यहाँ से। तो दोस्तों, अगर मैं आपको इस साइकिल की थोड़ी सी कहानी सुनाऊँ, तो ये साइकिल काफ़ी पुरानी है, जब मैं 12th में पढ़ाई करता था, तो मतलब हमारे गाँव में 10th की थी, उसके बाद जब 11th में हम लोग गए, तो फिर हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर एक स्कूल पड़ता है, वहां पर मैं जाना पड़ता था। तो वहां पर जाने के लिए फिर कोई ऑप्शन था नहीं, साइकिल लेके जाते थे सभी लोग, तो फिर हमने भी साइकिल लेना ही बेटर समझा, क्योंकि साइकिल से अपन फिर अप डाउन कर सकते हैं, रोज़ बाइक से नहीं जा सकते। तो इसलिए उस टाइम पर 2014 में मैंने साइकिल ली थी, उसके बाद में 2014 में 12th हो गई थी कंप्लीट, तो उसके बाद में फिर इसकी जरूरत पड़ी नहीं, घर पर ऐसी पड़ी हुई थी, बाइक वगैरह भी आ गई थी, तो उसको ज़्यादा हम चलाते नहीं थे। तो फिर जो है ये हमने दे दी थी किसी और को चलाने के लिए, तो ऐसे में लोग चलाने के लिए, क्योंकि पड़ी पड़ी वैसे ही ख़राब हो जाती है, आपको पता है कोई भी वस्तु की ना उसको यूज़ ना करेंगे तो वो ख़राब हो जाती है। तो फिर उसको हमने दे दिया था, और उसके बाद में फिर उसको ले आए हम, क्योंकि वहाँ पर भी यूज़ आ नहीं रही थी, तो फिर हमने इसको ला कर वापस तैयार करवा दिया, क्योंकि उसका पड़े पड़े जो टायर वगैरह ख़राब हो गए थे। तो अभी मैं वापस वहाँ से अपने घर पर आ गया हूँ। वैसे वो जो पिछला शॉट आपने देखा वो काफ़ी पुराना है, और आज उस टाइम को लगभग जो है 15-20 दिन हो चुके, मुझे ब्लॉग को एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला, और अभी इसको एडिट करके मैं डाला, तो मैं सोचा कि इसकी एंडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्लॉग था, छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग था, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, और पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और नई लोकेशन के साथ में, किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।